और काफ़ी टाइम हो गया चाय के साथ, पर करूँगा कि जो लैपटॉप होना चाहिए मैकबुक के, उस दिन एक पड़ी थी ना तो आज काफ़ी आ गई हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, और खैर वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो अभी कुछ टाइम अराउंड 12:08 एंड थोड़ी देर पहले उठा था मैं, अब ब्रेकफास्ट आ चुका है, ब्रेकफास्ट अभी करूँगा। और यार अभी बाहर ना मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है, कल रात को ऐसे मौसम अच्छा था, बारिश भी हुई थी थोड़ी बहुत, और अभी बहुत अच्छा मौसम है तो वर्कआउट करने भी मज़ा आएगा। सोच रहा हूँ कि दरवाज़ा खोल के वाला, जो दरवाज़ा नहीं वाला खोल के करूँ, अच्छी हवा आ रही है। तो अभी करता हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद वर्कआउट करना है, देन आप लोगों से मिलता हूँ। फिर देखो अभी हो रही है दोपहर, और सुबह ब्रेकफास्ट एंड वर्कआउट के बाद मैं बहुत टायर्ड हो गया था भाई, तो मैं चला गया था फिर सोने के लिए, क्योंकि कल रात को भी थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करते हुए लेट हो गया था, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही लेट हो गया था। लेकिन अभी बाहर आया हूँ, और वो प्रोटीन पी रखा था मैंने सुबह, तो फिर अभी बिल्कुल अच्छा हैवी लंच करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो अभी मैं खा रहा हूँ मैंगो, और बस यही आया अभी, तो ये इसी से अभी का काम हो जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ और देख लेंगे खाने के लिए। चलो भाई, आ गया था मैं नहा के अभी, और अभी ना सब लोग सो रहे थे इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, और आज लेट ना आया थोड़ा, लेकिन मैंने अभी बालों पे ना कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ ड्रायर मार के हल्का सा मैंने स्प्रे मार दिया और अभी सेट हो गए हैं। तो मैं बाहर आया हूँ, और जो भी चाय वगैरह वो तो अभी थोड़ी देर बाद ही पियेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ, जब सब उठ जाएंगे उसके बाद पियेंगे। तो सब उठ गए हैं, और अब डेली रूटीन हमारा चाय पीना इस टाइम पे, तो चाय रेडी है अभी, अगर काफ़ी टाइम हो गया चाय के साथ ओ यस खाए हुए, तो आज हम खाएंगे ओ यस, और चाय भी आ गई है। जब उठ जाते हैं तो ये फ्रैंक की भी आ जाता है बाहर, पहले अंदर सो रहा था रूम में, इस रूम में, और अब बाहर आके बैठ गए। किसे पता अभी बिस्किट चाहिए, हम लोग चाय पियेंगे तो उसको साथ में बिस्किट भी देना है। फिर मैं जिस दिन शैम्पू करता हूँ ना, सिर्फ उसी दिन वैक्स और स्प्रे लगाता हूँ ड्रायर मारने के बाद, और जब मैं शैम्पू नहीं करता तो मैं सिर्फ अभी स्प्रे ड्रायर मारा और उसके बाद फिर स्प्रे कर देता हूँ, और नॉर्मल सेट हो जाते हैं, क्योंकि जब शैम्पू करते हैं तो ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं बाल, और अभी ज़्यादा सिल्की नहीं है, तो इसलिए फिर ड्रायर मारा और सिर्फ स्प्रे करके आ गया। तो बहुत लोग बोलते हैं कि जो ड्रायर करते हैं रोज़, उनके ना बाल ना झड़ने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रोज़ ड्रायर मारता हूँ एंड उसी से ही सेट होते तभी मेरे बाल, क्योंकि ऐसे ऊपर की तरफ ना सिल्की हैं तो नीचे गिर जाते हैं। और मैं हीट प्रोटेक्शन यूज़ करता हूँ, जिसको थर्मल प्रोटेक्शन बोलते हैं, कि अगर आप तुम ड्रायर मार रहे हो रोज़ तो तुम्हारे जो हेयर हैं वो डैमेज ना हो बिल्कुल भी, तो वो यूज़ करता हूँ मैं। हीट प्रोटेक्शन होते हैं जो थर्मल प्रोटेक्शन होते हैं, वो उस पर भी खुद लिखा होता है कि अगर आप ड्राई कर रहे हो हेयर स्प्रे, तो वो स्प्रे ज़रूर मारा करो, क्योंकि उस पर 260 डिग्री और 360 डिग्री तक हीट प्रोटेक्शन का लिखा होता है कि इतने डिग्री तक वो डैमेज हेयर नहीं करेगा। बाकी तो देखो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया, बाकी जो भी वो हेयर वाले होते हैं उन लोगों को ज़्यादा पता होगा इतना डैमेज करते हैं हेयर नहीं करते, क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए ऐसे यूज़ करते हुए, रोज़ ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल रोज़ करता हूँ, अल्टरनेट डेज हो गया ऐसे यूज़ करता हूँ ड्रायर। देखो भाई कैसे पांडा बैठा हुआ है यहाँ पे शांति से, और मैं आज भी फ्रैंकी को ऊपर नहीं लेकर गया, बिकॉज पर मौसम की वजह से मुझे भी मन नहीं था बिल्कुल भी जाने का, तो गया वो खुद ही गया वो आज ऊपर। यार हमने कल लिया था डिनर, और आज आइसक्रीम लेकर आए थे, जो उस दिन एक पड़ी थी ना, तो आज काफ़ी आ गई हैं, तो अब हम खाएंगे आइसक्रीम। फ्रेंकी आइसक्रीम खाएगा? फ्रेंकी खाएगा आइसक्रीम? तो अभी देखो डिनर भी हो गया था, सबने आइसक्रीम भी खा ली थी, एंड मैं काफ़ी देर से बाहर बैठा हूँ यहीं पे, तो मैं सोच रहा था और अमेज़ॉन वगैरह पे ना देख रहा था व्लॉगिंग के लिए जो गियर्स होते हैं ना, जो यूज़ होते हैं, जैसे माइक होता है यूज़, और अलग लेंसेज होते हैं यूज़, तो मैं देख रहा था लेंस चेंज करने का। सो थोड़े बहुत चीज़ें तो देखी है मैंने आगे जाके, मतलब इसी कैमरा को अगर यूज़ करूँगा तो लेंस अच्छा लेना पड़ेगा, क्योंकि लेंस में प्रॉब्लम है। अगर यही सेम लेंस नया लेता हूँ ना, तो मुझे ये वाला लेंस ना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जो वाइड एंगल लेंस है, क्योंकि उसका अपर्चर वगैरह जो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे जो ब्लर बैकग्राउंड बोलते हैं ना वो उसमें नहीं होता 10-18 वाले में, क्योंकि वाइड एंगल है, तो उसका जो अपर्चर है शायद 4.5 है, और जो ये वाला लेंस है इसका 3.5 है। तो अगर नया लेंस लेते हैं, इसका ना ऑटो फोकस भी USM वाला है, तो उसका आवाज़ आती है फोकस में, दूसरा है मतलब जो STM वाला है सेम लेंस, उसका ऑटो फोकस ज़्यादा अच्छा है, तो मैं देख रहा था बस। तो मैं डिनर करके अभी आ गया था अपने रूम में, एंड एक चीज़ बता दूँ कि ना आज मेरा काफ़ी टायरिंग डे था, क्योंकि वर्कआउट भी बहुत किया था, उसके बाद ना एडिटिंग वगैरह भी रात को करता हूँ ना, सुबह ना मुझे एकदम से बहुत टायरिंग सा हो जाता है, तो यार मैं फिर इसलिए मैं आज ज़्यादा व्लॉग तो शूट कर नहीं पाया, बट कल या फिर 2-3 दिन बाद ना मैं अभी बाहर जाऊँगा ऑफिस काम से पापा के साथ, तो शायद देखते हैं कि बाहर आउटिंग का दिखाई दे, एंड मैं भी सोच रहा हूँ कि हेयर कट करवा लूँ, क्योंकि अब मेरे से बड़े बाल जो है ना वो हैंडल नहीं हो रहे बिल्कुल भी, तो यही सोच रहा हूँ कि हेयर कट भी करवा लूँ। और अभी एडिटिंग करने बैठता हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि आज थोड़ी छोटी एडिटिंग की होगी, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा छोटा है ना, ऐसे भाई देखो एक जगह पे बैठ के, मतलब मैं यहाँ बैठ जाऊँ, बेड पे बैठ जाऊँ,
और फिर ऐसे बात करूँ तो ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, तो मुझे ना ऐसा अच्छा लगता है कि मैं ऐसे घूमता रहूँ फिर आप लोगों से बात करूँ अच्छे से। यार यार मैं अभी बैठा हुआ था और मैंने ऐसी पीसी को देख रहा था, तो देखो सबसे सुंदर पीसी की यही चीज़ लगती है कि इतना RGB लाइट से पूरा भरा हुआ है और लैपटॉप में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, तो ऐसे देख रहा था तो यार मतलब कितना बढ़िया लगता है ना। अभी मैं जैसे लाइट बंद करूँगा, अभी यहाँ पे मेरे जो कीबोर्ड है ना उस पर भी लाइट्स और वो सब है RGB लाइट्स। नहीं कह रहा कि देखो लैपटॉप ना लो, लैपटॉप भी अच्छा होता है उसमें RGB नहीं होती, लेकिन जो लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उनके अंदर तो RGB होती है, कीबोर्ड वगैरह के अंदर ही दे के रखते हैं मेन। लेकिन जो ट्रैवलिंग करते हैं ना उनके लिए ज़्यादा अच्छा है लैपटॉप, की ट्रैवलिंग के लिए उनको काम आता है, वो PC लेके घूम नहीं सकते। और उसके लिए भी ना मैं जो खुद पर्सनली प्रेफर करूँगा कि जो लैपटॉप होने चाहिए वो होना चाहिए मैकबुक के, और कोई लैपटॉप नहीं विंडोज़ वगैरह के, जो मैं प्रेफर करूँगा अगर मैं लूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मैकबुक एयर है सिल्वर वाला, तो वो भी मैं अभी सेल करने वाला हूँ वैसे, तो फिर वही होना चाहिए, मतलब मैकबुक होना चाहिए, ये मेरी प्रेफरेंस है। और बाकी तो यार लोग देखो जिनको गेमिंग लैपटॉप चाहिए, गेम भी खेलनी है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं मैकबुक्स ना। और iMac भी आया एक नया कलर में, वो भी एक नए नहीं वैसे काफ़ी सारे कलर थे उसमें, ग्रीन ये सब चीज़ें, तो भी अच्छा लगा। अभी मैं फ़िलहाल जो वेट कर रहा हूँ ना गाइस, मैं इस चीज़ की वेट कर रहा हूँ कि जो कलर्स आ रहे हैं 2021 में जो मैकबुक के बोले एयर के, ग्रीन ब्लू जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में दिखाए थे, तो मैं उसकी वेट कर रहा हूँ उड़ने के लिए कि उनके कलर्स हैं और वो सही में आ रहे हैं या फिर वो नेक्स्ट ईयर आएंगे, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह, फिर उसके बाद सोचेंगे कि अक्टूबर नवंबर में तो आएंगे, तब तक सोचेंगे यार। देखो देखो अगर मैकबुक मैं लूँगा तो आप लोगों को पता है कि वो एडिटिंग वगैरह के लिए ही लूँगा और किसी चीज़ के लिए नहीं, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करनी किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपका काम है उस चीज़ का तो लो, जैसे अब iMac की आपको ज़रूरत है, PC की ज़रूरत नहीं है तो iMac लो, PC की ज़रूरत है तो PC बनवाओ, मतलब अगर ज़रूरत है तो ही लो। और अगर आपके पास लैपटॉप है उससे काम चल रहा है, आपको गेमिंग नहीं करनी है तो भाई मतलब तो मुझे अभी तो ज़रूरत नहीं है मैकबुक, बस मैं वेट कर रहा हूँ। और देखो शौक भी होता है लोगों का कि शौक में ले रहे हैं, वो चीज़ ठीक है यार। देखो अगर बंदा एक अफोर्ड कर सकता है और उसको शौक है तो ठीक है कि वो अपने शौक पूरे कर रहा है, और वो करना भी चाहिए, शौक पूरे करने चाहिए। अभी मैं एडिटिंग करने जा रहा था और एक चीज़ और बोलनी थी, जो लाइट्स वगैरह लगवानी थी ना बाहर और इस रूम में, वो आज तो लग नहीं पाई क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन उन्होंने बोला कि वो लोग कल आएंगे, अब तो कल आएंगे और कल चेंज होंगी। अब कल भाई बहुत बाहर का तो बहुत सही हो जाएगा लाइट वगैरह, तो और कैमरा में भी बहुत अच्छी लाइटिंग हो जाएगी, नॉइज़ नहीं आएगी मेरे ख्याल से ऐसे, क्योंकि अभी यहाँ पे भी लाइट है और नॉइज़ शायद नहीं आ रही, क्योंकि इधर भी अभी कम लाइट चल रही है वैसे तो, बट नॉइज़ शायद नहीं आ रही। फिलहाल तो मैं जाता हूँ एडिटिंग करता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। यार आज एडिटिंग हो गई थी जल्दी और टाइम हो रहा है 11:29, तो ब्लॉग जो है वो कल अपलोड हो जाएगा मॉर्निंग में 11 o'clock। तो गाइस फिर आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं हम लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।